गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के आला अधिकारियों संघ की बैठक दिए नगर निकाय और नगर निगम में नगरीय सड़कों के हो रहे कार्यों की गुणवत्ता को राइटर संस्था के माध्यम से गुणवत्ता की जांच कराए जाने के निर्देश। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कराए डोर टू डोर सर्वे। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को करेंगे भाजपा के सेवा समर्पण कार्यक्रम में दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरा बढ़ाने संबंधित बैठक। किसानों की जमीन का समय अनुसार मुआवजा देने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। एएस फूड एंड ब्रेवरीज द्वारा राज्य के लिए जारी खाद लाइसेंस पर दूसरे देश नेपाल के लिए तैयार कर भेजे जा रहे लाखों के हल्दी पाउडर के पैकेट व लाल मिर्च पाउडर के पैकेट को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी ने किया सील। 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण किया तलब। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक संगठनों की खुली बैठक। विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर नगर विधायक ने किया मानबेला वार्ड में संपूर्ण वार्ड के सफाई अभियान की शुरुआत। नगर निगम की टीम भी रही मुस्तैद। कहा, पूरे नगर में चलेगा स्वच्छता अभियान। तिवारीपुर थाने के टॉप 10 हिस्ट्री सीटर शहनवाज के साथ उसके एक और साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए हिस्ट्री सीटर के कब्जे से चोरी की 2 बाइक, एक अवैध तमंचा और चोरी की गई 8 मोबाइल और टैबलेट भी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना के मिले 232 नए संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,460। एक्टिव मरीज हुए 1,784। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर निजीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन, जताया विरोध, निजीकरण को वापस लेने की मांग।